you got flower? All right, दोस्तों तो फाइनली हम हमारे रूम में पहुंच चुके हैं एंड जल्द पति के टेड में हमेशा जगह रहती है. पति कहते हैं कि खाऊंगा ही खाऊंगा. बहु कितना था गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. सुबह की चाय पी ली है एंड हस्बैंड ने बनाई थी. एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हस्बैंड अब अच्छी चाय बनानी उन्होंने शुरू कर दी है. आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत मज़ेदार नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि आज मैं जो वीडियो एडिट करके अपलोड करना चाहती थी वो मैंने पूरी एडिट कर ली एक दो घंटे लगा के. एंड देन क्या हुआ कि मैंने मेमोरी कार्ड से फुटेज डिलीट कर दी. मैंने नोटिस नहीं किया कि मेमोरी कार्ड से अभी ट्रांसफ़र हुई नहीं थी मेरी फुटेज पूरी तरह, तो वो डिलीट होगी. मेरी एडिटिंग फाइनल कार्ड से भी डिलीट होगी वो. सो सारी मेरी मेहनत बेकार होगी. सो आज के दिन की शुरुआत करने वाली हूँ मैं बुक्स को लाइब्रेरी वापस करने से, रिटर्न करने से, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो फिर फाइन लगेगा. सो लेट्स गो एंड रिटर्न द बुक्स. एंड मैंने हस्बैंड को आज ना टू डू लिस्ट बना के दे दी है कि ये चीजें तुम करना, क्योंकि बहुत बार वो क्या करते नहीं है कुछ भी, हमें टाइम पास करते रहते हैं फालतू चीज़ों में एंड फिर सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं. बहुत सारी चीज़ें वो मैं ही कर सकती हूँ, हस्बैंड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो किताबें ड्रॉप हो गई हैं, अब हम घर जाते हैं. वैसे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, वो भी फिल करना चाहते हैं या फिल करवा लेती हूँ फिर घर जाती हूँ. इतनी सारा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा. ये सारा मेरे मेकअप वाले रूम का सामान है और ये चेक कर लिया मैं चेहरी. ओके दोस्तों, ये है मेरे पति एंड अपने लिए एक कशा ढूंढ रहे हैं ये, क्योंकि हमने सारा सामान पैक कर दिया था ना, तो ये थे आए हैं डिजास्टर करने के लिए. सर क्या कहेंगे आप? नो दे कैंची. मैं क्या स्टूडियो क्लोजेट आ नहीं है तो डस्टमान है जी. फिर वो किधर चाहो दे जो मेरी लिखा होगा कि है हम तैयार है. मैं स्पेशली मैं तैयार हूँ. हस्बैंड एंड हिम्मत का नहाना एंड तैयार होना बाकी है. मैं उठते ही तैयार हो गई थी, हस्बैंड ने चाय बना ली एंड मैंने जो बची खुची पैकिंग थी वो कर ली. और खाने का बंदोबस्त पता नहीं क्या करेंगे. हिम्मत को मैं नहला रही हूँ इस समय एंड हिम्मत का जो प्यारा सा कीकी है उसे वॉश कर रही हूँ क्योंकि वो लेके जाना है. और हिम्मत को कफ था कुछ दिन पहले एंड मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह क्लीन हो जाए, उसे मैं क्लीन कर रही हूँ. ट्रैवल करने के लिए तैयार है. हम लोग हमारी फ़्लाइट पिक करने वाले हैं किचनर एयरपोर्ट से, वो हमसे एक घंटा दूर है क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट डायरेक्टली मैक्सिको जाएगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. ओके सो हस्बैंड खा रहे क्विक ब्रेकफास्ट. जाने से पहले हमारे पास आई थिंक 40 मिनट्स रह गए हैं. सो हमारे पास है राजमा, दही, परौंठी, खीरे एंड एग्गी. यू वांट टू से समथिंग? नो. ओके, सारा सामान मैंने यहाँ पे ला के रख लिया है. हस्बैंड ने ऑर्डर की है एक टैक्सी. एक्चुअली हमारे साथ एक और फैमिली भी जाने वाली है तो हम सारे लोग एक ही साथ ट्रैवल करेंगे, तो टैक्सी भी हम शेयर करने वाले हैं. वो बैग लैपटॉप और अपने को रख लो. यू गॉट एवरीथिंग? यस. आर यू श्योर? आई एम डेवर ट्रिपल श्योर. यस. ओके सो मैं हिम्मत एंड हस्बैंड बैठ गए गाड़ी में, अब हम उनको पिक करेंगे. मोनिका, आंटी मोनिका को. पहुंच गए हमारे एयरपोर्ट पे और हम वेट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट में बैठने की. और ऐसे बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊँगी. हस्बैंड कुछ कहेंगे? हमारा एयरपोर्ट हमारी फ्लाइट, बड़ी नहीं. हमें आ गया प्लेन पे चढ़ने का और बाहर ठंड है. Magic in the world around me. Now I often get so tired.
It's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that dancing on the. Okay, so यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है और हमने हमारी फ्लाइट में बोर्ड कर लिया है. मुझे लगता है कि जितने बजे हमारी फ्लाइट उड़नी थी उससे वो लेट है और होपफुली हम आधा घंटा लेट पहुँचेंगे वहाँ पे. बट वी आर वेरी एक्साइटेड. Flowers in my garden never looked as bright as day. Like a happy child, I watched them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach when I think of you and me. It is funny how a lot can change when you learn how to breathe. Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. हस्बैंड लेने वाले हैं थोड़ी सी मैक्सिकन करेंसी एंड हम लोग एयरपोर्ट से बाहर ऑलमोस्ट निकल चुके हैं. We reached Mexico and it's so boiling hot. So look, I did this and this because I'm so hot. Yeah. And we came with our friends. Say hi. बहुत ही मज़ेदार ब्रीज आ रही है गर्म एंड हमारे वहाँ पे 1 degree था और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अराउंड 30 है. सो यस, बहुत ही मज़ेदार है. हम बहुत एक्साइटेड है. थोड़ा लेट हो गया हम क्योंकि ना अंदर समय लग गया थोड़ा कस्टम्स के लिए. So you got flower? No, I didn't get flower. Only doga love. Can you read? Yeah, it's okay. That one. Thank you. वो नाम पढ़ लो ऊपर प्लीज. हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है एंड हमने बैगेज ले लिया है हमारे एंड अब हस्बैंड कर रहे हैं चेक इन. और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ग्रीन सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक दी दी है हस्बैंड इज हैविंग इट. वरना गॉट टू फ्लावर. So हमारे बैग्स आ चुके हैं. Yes. Do you have the ballast? Your cell phone? Do you have ballast? We don't have. Yes. You have all the information. All right, दोस्तों, तो फाइनली हम हमारे रूम में पहुंच चुके हैं एंड जल्दी से मैं आपको रूम टूर करके बताऊंगी. पर हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं उस बंदे के साथ बातें करने में जो हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है. सो फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारा रूम कैसा है. हमारा रूम बहुत ही प्यारा क्यूट सा छोटा सा है. सो जल्दी से देख लें हमारा रूम कैसे है.
ये सो हम लोग पहुंच गए हैं और ये हर रूम के ऊपर सील लगी होती है कि आपका रूम अच्छी तरह सैनिटाइज्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा ही टेक केयर करते हैं। सो ये होने वाला है कॉफ़ी एरिया एंड ऐसे आप एंटर करेंगे एंड ये काफ़ी बड़े साइज़ की क्लोज़ेट है और यहाँ पे बड़े शीशे भी लगे हुए हैं, आप अपना आउटफिट चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। हमने कनाडा के हिसाब से आउटफिट पहन के रखा है। एंड सो शावर का एरिया सेपरेट है एंड इस पर डोर भी है एंड टॉयलेट भी सेपरेट है, दैट्स वेरी नाइस। कि आपको अगर मिस करें कि यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, उसे यहाँ से देख सकते हैं। हमने दो बेड लिए हैं पर हम एक रोलिंग बेड भी ले रहे हैं हिम्मत के लिए। सो ही इज़ एक्सप्लेनिंग स्टफ एंड यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा सा शीशा है एंड अब बाहर आएंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे टीवी है। ओके सो हमें मिला है यहाँ पे एक मेहमान कॉकरोच, जिसे मैंने लगा बंदे ने मार दिया है क्योंकि उसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कॉकरोच है, उन्हें मिंट मारा उसे मार दिया। सो यहाँ पे ये शीशा है, यहाँ पे ये जकूजी है एंड ये लेवल उससे थोड़ा नीचे। ओके सो ये है बालकनी, मुझे लगता है पिछली बार के मुकाबले काफ़ी बड़ी बालकनी है हमारे पास एंड हमारे बालकनी का जो व्यू है वो है ये वाटर पार्क का। अभी तो अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ ज़्यादा, बट जब रोशनी होगी तो दिखाऊंगी। सो ये वाटर पार्क है जो 9 बजे 8 बजे से 6 बजे तक रहता है, बाद में बंद हो जाता है। सो काफ़ी लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और हम भी कुछ खाने के लिए जाने वाले हैं मुझे लगता है अभी। सो दिस इज़ अ बालकनी। सो अब हस्बैंड ले रहे हैं शावर एंड उसके बाद हम क्विक मील खाने के लिए जाने वाले हैं। मुझे लगता है जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट होगा उसमें ट्राई करेंगे, पर वैसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में यहाँ पे रिजर्वेशन चल रही है पर हमारे पास रिजर्वेशन है नहीं। अगर हमें नहीं मिलेगी जगह तो हम बफे में जाएंगे। सो मैं आपको साथ में लेके जाऊँगी अपने एंड एक्साइटेड हैं खाने के लिए। सो ये होने वाला है मेरा पहला टाको एंड हस्बैंड लेके आए हैं तेल। सबसे पहले हमने फ्रूट्स खाए क्योंकि हम बहुत ही डिहाइड्रेटेड फील कर रहे थे। और जुकीन थोड़ा एक्सप्लोर कर
करके, फोटोज क्लिक करके, खाना खा के अब हम आए हैं ये प्यारे से कैफे में। यहाँ से हम पियेंगे चाय और पति के पेट में अभी भी जगह बची हुई है। पति कह रहे कि मैं केक खाऊंगा, पति खा रहे केक। ओ एक्चुअली यू नो व्हाट, ये जो कैफ़े है यहाँ पे मैंगो पड़े हैं। मैं उन्होंने कहा कि अंब मिठे हैं, शी सेड कि हाँ। मैं कहा फिर दे दे, अंब लेके आई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर मैं इतने ना, मैं रोज़ एक अंब खाया करूँगी, अगर मीठा निकला तो। आई एम नॉट श्योर कि मीठा होगा कि नहीं, पर शायद मीठा होगा। सो आई एम एक्साइटेड। पति के टेड में हमेशा जगह रहती है। पति कहते हैं कि खाऊंगा ही खाऊंगा। बहू किधर है? सो हस्बैंड खा रहे कोकोनट केक। आई एम गोना ट्राई सम। ऑलराइट दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। एंड ऑल्सो कल की वीडियो के लिए दोबारा आ जाना। कल हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगी। हम अभी 9-10 दिन के लिए हैं मैक्सिको में और बहुत एक्साइटेड हैं हमारे इस बार के एडवेंचर के लिए कि क्या क्या देखेंगे। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जब हम आए थे 2018 में बहुत मज़ा आया था, और मैं सोच रही थी जब हम यहाँ से गए थे कि दोबारा कब आएँगे। एंड फाइनली यहाँ पे दोबारा आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आने वाले दिनों के लिए, और इसलिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस को आप देख पाएँ। ओके नाउ इट्स योर टर्न। ओके नाउ यू कैन टॉक एनीथिंग। आई एम डन टॉकिंग। आई एम डन टॉकिंग टू। सी।